In a cricket cup, total 153 matches were played, and every two teams played exactly one match with each other. Yani ke do teams ek ek match aapas mein khelti hain, yani ke do do ke set banne hain. Total matches are 153, aur har team ne ek dusre ke sath ek ek match khela hai, isliye do do ke set banenge. So what were the total number of teams participating in the cricket cup? Aur humne टीम्स की तादाद बतानी है. इसके लिए हम डाटा देखते हैं, तो वो मैच करता है एन सी टू से. इसमें क्योंकि एन सी टू एन सी आर के इक्वलेंट है, जिसमें आर टू है. अगर हम एन सी आर को एक्सपेंड करें तो इसकी वैल्यू आती है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो ये एक्सपेंड होने के बाद बन गया एन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल ओवर एन माइनस टू फैक्टोरियल, यानी कि टू इसमें आर के इक्वलेंट है, जो हमने यहाँ एग्जैक्ट रिलेशन लिखा है. अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू इंटू वन, क्योंकि जब हम एन फैक्टोरियल लेंगे तो वो इक्वल होगा एन एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन. और एन माइनस टू क्या होगा, एन माइनस टू का फैक्टोरियल वो होगा एन माइनस टू इंटू बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि ऊपर था एन माइनस थ्री एंड सो ऑन. और ये भी यही कुछ होना था, क्योंकि एन माइनस टू फिर एन माइनस थ्री एन माइनस फोर जो कि इसके इक्वल है. इसलिए एन फैक्टोरियल को सिर्फ n माइनस वन तक जाएगा, जब n माइनस टू आएगा तो वो नीचे वाले n माइनस टू फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा. आपके पास बच गया n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, और ये इक्वल है ब्रैकेट अगर एक्सपेंड कर दें तो n स्क्वायर माइनस n के. अब ये आपके पास रिलेशन बनता है 153 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n ओवर टू. ये टू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 306 के इक्वल है, और ये हो गया एन स्केयर माइनस एन, जो हमने इस तरीके से लिख लिया है कि एन स्केयर माइनस एन माइनस 306 इज इक्वल टू ज़ीरो. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं. तो 306 के दो फैक्टर बन गए 18 और 17, इसलिए एन स्केयर माइनस 18 एन प्लस 17 एन इज इक्वल टू माइनस 306 इज इक्वल टू ज़ीरो. इसमें से n कॉमन ले लिया तो ये n माइनस 18, और इसमें से 17 कॉमन लिया तो n माइनस 18 अंदर आ गया. अब इन दोनों में से n माइनस 1 माइनस n माइनस 18 को कॉमन ले लें तो दूसरी ब्रैकेट में बच गया n प्लस 17 इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से दोनों फैक्टर को हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे, n माइनस 18 इज इक्वल टू ज़ीरो और n प्लस 17 इज इक्वल टू ज़ीरो. इसमें से दो आंसर आते हैं n इज इक्वल टू 18 और माइनस 17. माइनस 17 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस नंबर नहीं आ सकता टीम की तादाद के लिए, इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर है ऑप्शन डी, जो कि 18 के इक्वल है.